हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट माइंड्स। आई एम आरती, योर मैथ टीचर। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने चैप्टर नंबर 12, आइडेंटिटीज की एक्सरसाइज टेस्ट योर सेल्फ, जो हमारी लास्ट एक्सरसाइज है क्वेश्चन नंबर 3 से। लास्ट वीडियोस में हमने ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 को कंप्लीट कर लिया है, उसके सारे के सारे पार्ट्स। अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं। आई होप आपने फर्स्ट 2 पार्ट्स देख लिए हैं। जिन स्टूडेंट नहीं देखा, आपको वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके आपकी प्लेलिस्ट से मिल जाएगा इजीली। चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। एंड इससे पहले, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपके पास सारी न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइमली आती रहेगी। एंड ऑल्सो लाइक द वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को स्टार्ट। फाइंड द स्क्वेयर्स ऑफ, जैसे हमने लास्ट वीडियो में भी किया था कि हमें वहाँ हमने सिंपल मल्टीप्लिकेशन किया था, हमने एक्सरसाइज जब ए की थी तब हमने अंडरस्टैंड किया था, आइडेंटिटी स्कोर स्क्वेयर भी फाइंड करने सीखे थे, वही हमें यहाँ पे करना है। देखिए, अब हमें इसका स्क्वेयर फाइंड करना है, मींस हम इसकी पावर लिख देंगे 2। देन अब आपको पहले आइडेंटिटी लिख लेनी है, ए प्लस बी होल स्क्वेयर क्या है आपके पास, तो फॉर्मूला है ए स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वेयर। एंड इन दिस क्वेश्चन हमारे लिए ए की प्लेस पे है, अगर आप यहाँ रहने दीजिए लिखना, हम इसको सॉल्व करते हैं सीधा, यहाँ लिख देते हैं रफ में, ए हमारे लिए 3x है एंड बी की प्लेस पे हमारे पास है 2/y। देखिए, जो फर्स्ट टर्म होती है वो आपके ए को रिप्रेजेंट करती है, सेकंड टर्म बी को रिप्रेजेंट करती है, तो हमें क्या करना है, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर मींस ए का स्क्वायर कर दिया प्लस 2 से मल्टीप्लाई होना है आपकी फर्स्ट टर्म ने, और यहाँ पे फर्स्ट टर्म होती है मल्टीप्लाई होना है अब आप सेकेंड टर्म ने, तो सेकेंड टर्म है हमारी 2/y दैट इज बी। देन प्लस सेम, देखिए आइडेंटिटी अप्लाई कर रहे हैं हम, आपको बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं लगेगा क्वेश्चन। ए स्क्वेयर, तो मैंने ए क्या है हमारा 3x, तो मैंने 3x का स्क्वेयर कर दिया। देन आपको क्या करना था, 2 into a into b, विच मीन्स 2 multiply, पुट द वैल्यू ऑफ a, देन पुट द वैल्यू ऑफ b, देन बी स्क्वेयर, देन होल स्क्वेयर, बिकॉज यहाँ पे आपके पास 2 नंबर्स हैं तो आपको फ्रैक्शन फॉर्म में है तो होल स्क्वायर लिखना है। देन 3 का स्क्वायर विट मीन्स 3 3 इज़ 9, एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू एक्स बन गया एक्स स्क्वायर। देन 2 2 ज़ा 4 3 ज़ा 12, एक्स अपॉन वाई प्लस 2 2 ज़ा 4, वाई इंटू वाई वाई स्क्वायर, ये आ गया आपका आंसर। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन, इसका भी हमें क्या फाइंड करना है, स्क्वायर। जब भी आपको किसी भी नंबर का स्क्वायर फाइंड करना है तो आप ब्रैकेट बना के उस पर 2 लिख देंगे पावर। तो अब आपको क्या करना है, आइडेंटिटी हमने ऑलरेडी लिखी है, अब ये फर्स्ट टर्म जो भी आपकी फर्स्ट टर्म है ना वो आपके लिए a है, तो a का स्क्वायर करना है। देन अगर माइनस की आइडेंटिटी हम क्या करते हैं, देखिए a माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस क्वेश्चन में a के प्लेस पे हमारे पास 5a/6b है एंड इन प्लेस ऑफ बी वी हैव 6b/5a, बस ये वैल्यूज को पुट ही करना है आपने अपने क्वेश्चन में। तो 2 multiply a की वैल्यू है हमारे पास ये, देखिए ये a की वैल्यू हमने साइड में भी लिख लिया, देन 6b/5a प्लस 6b/5a होल स्क्वायर। अब जो सॉल्व करना है ध्यान से, 5a होल स्क्वायर मीन्स 5a का स्क्वायर है ना, 5 5 ज़ा 25, a into a a स्क्वायर, 6 6 ज़ा 36, b into b is b स्क्वायर माइनस। अब आप देखिए 6b 6b से कट सकते हैं, 5a 5a से कट सकते हैं, आपके पास रह गया 2। अब कटिंग कैसे होती है, अगर मल्टीप्लाई का साइन, अगर प्लस माइनस होता तो हम कटिंग नहीं करते, मल्टीप्लाई का साइन था, ये सारे मल्टीप्लाई हो रहे थे इसलिए हमने कटिंग की। देन 6 6 ज़ा 36, b स्क्वायर, 5 5 ज़ा 25, a स्क्वायर। अब इसमें कोई भी टर्म लाइक नहीं है तो ये आ गया हमारा आंसर। अब देखिए थर्ड पार्ट, अगेन स्क्वायर करना है हमें, आपकी फर्स्ट टर्म क्या है, ये जो जो भी ब्रैकेट में लिखा चाहे उसके साथ स्क्वायर भी है ना तब भी वो आपकी फर्स्ट टर्म है पूरी की पूरी, तो ये हम रफ में लिख लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमारे लिए a है, जब आप ऐसे रफ में लिख के करेंगे ना तो आपकी प्रैक्टिस और अच्छे से हो जाएगी, जब आप बहुत सारे सम्स प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको रफ में लिखने की कोई नीड नहीं है जी, मैं बस आपको प्रैक्टिस करवाने के लिए आपको लिख के दे रही हूँ रफ में कि आपके लिए ए की ये वैल्यू और बी की ये वैल्यू है। तो जो भी हमारा ए, आप उसको पूरे ए को ब्रैकेट में रखना है, तो हमारे लिए ए है 2m का स्क्वायर, तो आपके लिए ए क्या है 2m
होल स्क्वायर, तो मैंने 2m स्क्वायर को होल, 2m स्क्वायर है होल स्क्वायर, हम यहाँ पे लिखेंगे तो 2m स्क्वायर की पावर 2 माइनस आइडेंटिटी में क्या आता है 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू, a हमारे लिए अपने यहाँ से देखने, दिस इज a, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ b, वैल्यू ऑफ b इज 2/3n स्क्वायर। ये ज़्यादा ईजी हो जाएगा आपके लिए अंडरस्टैंड करना। देन जो भी आपके पास b की वैल्यू, जैसे मेरे पास तो b की ये वैल्यू है, उसका करना है होल स्क्वायर। अब 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 2 4, जब m का करेंगे, m के पास ऑलरेडी पावर है, तो 1 की दोनों पावर्स अगर एक्सपोनेंट में, हमने सीखा था ना अगर एक ही बेस की एक से ज़्यादा पावर्स होते हैं तो उनको मल्टीप्लाई करते हैं, और m की 2 पावर्स हैं तो 2 2 4 पावर मल्टीप्लाई हो गई। देन अब यहाँ पे देखिए 2 2 4 4 2 8 / 3 नंबर लिख दिए, देन एम स्क्वायर मल्टीप्लाई एन स्क्वायर लिख दिया, एम स्क्वायर एन स्क्वायर प्लस 2 की पावर 2 है, 2 2 4, देन 3 की पावर भी 2 है, 3 3 9, एक एक नंबर को आपने सॉल्व करना है ध्यान से। देन एन एज इट इज, अब एन की 2 पावर्स हैं, 2 2 4, तो ये आ गया हमारा आंसर। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन सबसे पहले लिख लेते हैं इस क्वेश्चन में हमारा ए क्या है, ए है 5x एंड इन प्लेस ऑफ बी वी हैव 1/5x। देन पहले ए का स्क्वायर करना होता है, प्लस 2 से ए की वैल्यू को मल्टीप्लाई, देन मल्टीप्लाई बीज वैल्यू, प्लस बी का होल स्क्वायर, 5 5 = 25x × x² 5x 5x कैंसल, 2 1 = 2, प्लस 1 1 = 1, 5 5 = 25x × x² तो आपका आंसर आ गया 25x² प्लस 2 प्लस 1/25x². अब देखिए अगेन इसकी भी, इसका भी स्क्वायर फाइंड कर लेते हैं, तो 8x का होल स्क्वायर आपने लिखने, हम साइड में लिख भी सकते हैं, a हमारे लिए 8x है एंड इन प्लेस ऑफ b वी हैव 3/2y। जब भी फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म का स्क्वायर है तो आपको आइडेंटिटी ही अप्लाई करनी है, तो 8x का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई 8x, क्योंकि a की वैल्यू आनी है, देन मल्टीप्लाई b की वैल्यू, दैट इज 3/2y प्लस, अब 3/2y का करना है हमें होल स्क्वायर, क्योंकि आपकी आइडेंटिटी क्या होती है, a प्लस b होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ पे a का और b का स्क्वायर करना होता है, अगर एक से ज़्यादा टर्म है तो हम उसको ब्रैकेट में रखते हैं, एंड देन एक से ज़्यादा नंबर हो तो ब्रैकेट में रख के आपको स्क्वायर करना है। देन 8 8 = 64x × x बन गया x स्क्वायर। अब ये 2 से 2 कैंसिल हो सकता है, 8 3 = 24x × y बन गया एक्स वाई, प्लस 3 3 = 9, 2 2 = 4, y × y y² अब हम करते हैं नेक्स्ट पार्ट। अब देखिए यहाँ पे आ गया आपके पास क्वेश्चन, इसका भी स्क्वायर ही फाइंड करना है, तो कैसे करें, देखिए 607 का स्क्वायर मींस कि आपको 607 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देना है, बट हमें ऐसे नहीं करना है, तो डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन होगी, हमें यूज़ करनी है आइडेंटिटी। तो हम 607 को कैसे लिख सकते हैं, हम 607 को लिख सकते हैं 600 + 7, देन इसका स्क्वायर फाइंड कर लेंगे, करना हमें इसी का है, बट हमने उसको ब्रेक करके लिख लिया। अब हमने इसको a प्लस बी की फॉर्म में लिख लिया, तो a प्लस बी होल स्क्वायर, आपको पता है ये क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो हमने यहाँ पे अपनी आइडेंटिटी लिख के रख ली। अब इसके अकॉर्डिंग आप मुझे बताइए a क्या है, a की प्लेस पे हमारे पास क्वेश्चन में है 600, देखिए आपकी फर्स्ट टर्म, और b की प्लेस पे हमारे पास क्या है 7, तो पुट करते हैं वैल्यू। सबसे पहले a का स्क्वायर मीन्स 600 का स्क्वायर करेंगे, देन 2 × 600 × 7 जो b की वैल्यू है, फिर देन 7 की पावर 2, 6 की पावर 2 मीन्स 6 6 = 36, एंड पीछे मतलब ये 100 हो जाता है ना, 6 × 100, तो जब भी आपने 600 का स्क्वायर करना है, 600 का स्क्वायर मीन्स 600 × 600, 6 6 = 36, एंड पीछे हमारे पास कितनी जीरोज़ हैं, 4 जीरोज़, तो 4 जीरोज़ एज इट इज़ लगा देंगे। देन 2 6 = 12, 12 7 = 84, पीछे 2 जीरोज़, देन 7 7 = 49। अब हमें करना है इन सबको ऐड, तो इन सबको ऐड करके आपके पास यहाँ पे आ गया ये 4 एज इट इज़, देन 8 6 & 3, तो हमारा आंसर कितना आ गया 3 6 8 4 4 9
सबको सॉल्व करके, इट मीन जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं हमारा यही आंसर आता। हमने इसको फॉर्मूला से, आइडेंटिटी से सॉल्व कर लिया। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो आपको ऐसे नंबर सोचने होते हैं जिनके साथ जीरो जीरोज आए, तो बेटर है कि हम इसको लिख लें 400 माइनस 9। देखिए तभी तो जीरोज वाली टर्म आई। हम माइनस में भी बना सकते हैं, प्लस में भी। प्लस में हम कैसे करते हैं, क्या 3 300 प्लस 91, तो 91 के फिर स्क्वायर करना टफ हो जाना था, 9 का तो हम सीधा ही कर सकते हैं, 9 9 81। तो आपको छोटे नंबर्स में लिखना है, तो 400 माइनस 9 आपका आ जाएगा 3 91। तो अब आपके लिए ए की प्लेस पे है 400 एंड इन प्लेस ऑफ बी वी हैव 9, एंड ए माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी भी हमें आती है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये आइडेंटिटी हम यूज़ करेंगे अपने 7th पार्ट में। तो यहाँ पे आपको क्या लिख देना है, 400 का स्क्वायर माइनस 2 × 400 × 9 प्लस 9 होल स्क्वायर। 4 4 16, पीछे 4 जीरोज आ जाएंगी, देन 2 4 8, 8 9 72 एंड 2 जीरोज प्लस 9 9 81। अब हम क्या करें, इसको सॉल्व कर देते हैं, और इस ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, पहले इसमें से माइनस कर सकते हैं, जहाँ हम क्या कर लें, ये नंबर और ये नंबर दोनों प्लस के हैं, दोनों को पहले प्लस कर लेते हैं। तो हमारे पास आ गया, इन दोनों को प्लस करके आपके पास आ जाएगा 1 6 0 0 8 1। जब ऐड करेंगे, अब माइनस कर देते हैं 7 200, तो हमारे पास आ गया 1 5 2 8 8 1, ये आ गया आपका आंसर। अब देखिए 8th पार्ट में हमें क्या करना है, 9.7 का स्क्वायर फाइंड करना है। जैसे यहाँ पे भी हमने इसका स्क्वायर फाइंड करने के लिए ये नंबर बनाया था। अब 9.7 को हम लिख सकते हैं 9 प्लस 0.7, तो 9 और 7 भी दोनों ही नंबर्स, कोई जीरो वाली टर्म नहीं आई। और हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए अगर आप 10 में से 0.3 माइनस कर दें, तो करके देखिए माइनस, आपके पास क्या आया, इसने इसको कैरी दी, 10 बन गया, 10 ने इसको कैरी दी, ये भी 10 है, तो 10 में से 3 गए 7 और यहाँ रह गए 9। इट मीन्स अगर हम 10 में से 0.3 माइनस करेंगे तो आपके पास 9.7 आएगा। तो 10 माइनस 0.3 रिप्रेजेंट करते हैं 9.7 को। तो दिस इज योर ए। अब हमारे लिए ए क्या है, 10, और बी की प्लेस पे है 0.3, देन ए का स्क्वायर माइनस 2 × a × b प्लस बी होल स्क्वायर। 10 10 100, देन देखिए 2 3 6 होता है, 6 10 60, पर पीछे से एक डिजिट छोड़ के डेसिमल भी लगाना है, 3 3 9। अब 2 डिजिट छोड़ के आपको डेसिमल लगाना है, कैसे, देखिए 0.3 को 0.3 से मल्टीप्लाई किया हमने, तो 3 3 9 तो आ गया। डिजिट कितने थे डेसिमल वाले, 1 एंड 2, तो 1 2 डिजिट छोड़ के हमें डेसिमल लगा देना है। अब इसको सॉल्व कर देते हैं अगेन, पहले वैसे ही कर लेते हैं, ये 100 है, यहाँ पे लिख देते हैं 6, क्योंकि 0.0 का मतलब 6 ही है, 0.09, और 100 में से 6 गए, आपके पास आ गया 94 प्लस 0.09। अब इनको सॉल्व करके क्या आ जाएगा, इनको तो ऐड ही करना है, तो 94.09 आ गया हमारा आंसर। अब हमने क्वेश्चन नंबर 3 कर लिया कंप्लीट, अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, हमें एक स्टेटमेंट दिया है कि इफ़ ए प्लस 1 ओवर a इज इक्वल टू 2, हमें वैल्यू गिवन है, देन हमें फाइंड करना है ए स्क्वायर प्लस 1 ओवर a² की वैल्यू। अब आपको क्या करना होता है ऐसे क्वेश्चन में, सबसे पहले आपको ए प्लस बी की आइडेंटिटी लगानी है, प्लस में है ना हमारा आंसर, तो ए प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये हमारी आइडेंटिटी है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, हमारे लिए a क्या है, ये a प्लस 1 ओवर a, ये हमारा b है, तो आपको इसको आइडेंटिटी के फॉर्म में लिखना है। तो a की प्लेस पे तो आपके पास a ही है, तो एज इट इज लिख दीजिए प्लस 2 × a, ये आपके लिए a है, एंड b की प्लेस में हमारे पास है 1 ओवर a, तो मैंने 1 ओवर a लिख दिया। आप चाहें तो साइड में लिख सकते हैं, a की प्लेस पे a ही है हमारे पास, एंड इन प्लेस ऑफ बी वी हैव 1 ओवर a, तो मैंने 1 ओवर a पुट कर दिया, देन 1 ओवर a का ही होल स्क्वायर करना है आपको। अब आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसकी वैल्यू a प्लस 1 ओवर a की वैल्यू हमें दी है 2, तो आप इसकी प्लेस पे लिख दो 2 और 2 का स्क्वायर, देन a स्क्वायर एज इट इज
यहाँ पे ए ए कैंसल, 2 1 2 प्लस 1 1 1 एंड ए की पावर 2 मीन्स ए रेज टू पावर 2, 2 2 4। अब आप इन दोनों को एक साथ लिख देंगे क्योंकि हमें वैल्यू इनकी फाइंड करनी है। एंड नेक्स्ट स्टेप में देखिए क्या करेंगे, 2 इधर प्लस हो रहा है, 4 के साथ जाके हो जाएगा माइनस, 4 में से माइनस कर देंगे। इट मीन्स ए स्क्वायर प्लस 1 ओवर ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आई, 4 माइनस 2 इज 2। ऐसे हमने वैल्यू फाइंड कर ली। अब आप ध्यान से देखिए, आपको ए रेज टू पावर 4 प्लस 1 ओवर ए रेज टू पावर 4 की वैल्यू चाहिए, वो कैसे आएगी। जब हम ए प्लस 1 ओवर ए का होल स्क्वायर करेंगे तो हमें मिलता है ए स्क्वायर प्लस 1 ओवर ए स्क्वायर। अगर हम ए स्क्वायर प्लस 1 ओवर ए स्क्वायर का होल स्क्वायर करेंगे तो बन जाएगी पावर 4। कैसे देखिए, ए स्क्वायर प्लस 1 ओवर ए स्क्वायर का जब आप स्क्वायर लिखेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, आपकी फर्स्ट टर्म है, प्लस 2 मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म दैट इज ए एंड देन सेकेंड टर्म एंड सेकेंड टर्म का भी होल स्क्वायर। देन नेक्स्ट स्टेप में आपके पास इसकी वैल्यू गिवन है 2, जो हमने लास्ट क्वेश्चन में फाइंड किया, तो हमने एज इट इज। देन अब आपको क्या करना है, 2 2 4 ये कैंसल हो गया, 2 एज इट इज, देन 1 ए रेज टू पावर 4, क्योंकि 2 2 4 हो जाएगा। अब इन दोनों को एक साथ लिख दीजिए, आप पहले भी लिख सकते हैं फॉर्मूला में, बस मैंने वही फॉर्मूला लिख दिया जो आपको ऑलरेडी आता है, याद है कि आप कंफ्यूज ना हो। 2 2 4, देन 2 अगेन माइनस कर देंगे, 4 में से 2 गए तो आपके पास आंसर अगेन इसका भी 2 ही आएगा। तो हम लिख देते हैं ए रेज टू पावर 4 प्लस 1 ओवर ए रेज टू पावर 4 इज इक्वल टू 4 माइनस 2 इज 2। तो ये आ गया आपका आंसर। अब हमने क्वेश्चन नंबर 4 एंड 3 दोनों ही कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट। एंड आई होप आपको अच्छे से समझ भी आ गया है कंसेप्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोज़ की भी नोटिफिकेशन टाइमली आती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।